प्रेज लॉर्ड हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुतियां महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साल 2024 जुलाई 10 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके, प्रभु की महिमा करने के लिए स्वर्ग के पिता ने ये जो अच्छा समय दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद करे। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु। थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति करे सब लोग, हालेलुया, आनंद के साथ प्रभु की महिमा करे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हम दिल से धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद कहे। हमारी यात्राओं में हम जहाँ पर भी थे, प्रभु की कृपा को हमने अनुभव किया, प्रभु ने हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, रात को अच्छी नींद देकर आशीषित करने वाले परमेश्वर को धन्यवाद कहे। परमेश्वर के विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद कहे। कितने लोग सोने की कोशिश करके सो नहीं पाए, लेकिन प्रभु की दया से हमें जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद करे। अच्छी नींद के लिए धन्यवाद करे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ जो हम जगे हैं, परमेश्वर की कृपा से हम जग पाए हैं। मेरे प्रिय लोग, प्रभु आपने हमें कृपा और अपनी दया से हमें ढांपे रखा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन यीशु मसीह में आप हमें जय वंश चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 पिता। प्रभु आगे और पीछे आप हमें घेरे हुए हैं, आपने दूतगणों को हमारे लिए खड़ा किया है, हमारे आने जाने में आप हमें सुरक्षा देते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार भजन संहिता 30 में कहते हैं, यहोवा मैं तुझे सराहूंगा। हालेलुया, हम भी इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कहे। हालेलुया, और आगे के वचनों में अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा गया है 11 और 12 में, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरे टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। अगर हो सके तो आप थोड़ी देर ये मैसेज को आप पॉज करके परमेश्वर के किए हुए आशीषों को धन्यवाद करने के लिए आप रुके। हालेलुया, धन्यवाद देने के बाद आगे का आप मैसेज को सुने। हालेलुया, आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता। ये जो संदेश सुन रहे हैं वो जिस भी अवस्था में है, प्रभु आपका समाधान, आपकी शांति इनके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। सांस लेने में जिनको मुश्किल है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई प्राप्त करे। जो ब्लीडिंग से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले। हालेलुया, पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं। वेरिकोस वेन से जो पीड़ित है, जो नस जो है वो बहुत ज्यादा सूजे हुए हैं और जो कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। पूर्ण स्वास्थ्य और आरोग्य आपके बच्चों के ऊपर घोषित करते हैं पिता। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना करते कि आपका सुपरनेचुरल हेल्थ उनके ऊपर हो प्रभु। स्वर्गीय आरोग्य से, दिव्य आरोग्य से आप इनको आशीषित करें। आप अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके बच्चों की जो भी जरूरतें हैं उसमें प्रभु आपकी कृपा रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप आकाश को खोलकर आप अपने भंडार से अपने बच्चों को आशीषित करने वाले प्रभु हैं। ये आपकी वादा है, वैसे ही प्रभु आपके बच्चों की जो भी जरूरतें हैं उसमें आपकी दिव्य प्रवृत्ति हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु, हालेलुया, और यीशु मसीह के नाम से दिव्य प्रवृत्तियों को हम घोषित करते हैं। हालेलुया, विश्वास के साथ आमेन। प्रभु दुनिया भर में जो अभिषिक्त दास दासियां आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता, हालेलुया, उनके सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप इन दिनों में अनेक लोगों को आप खड़ा करते हैं आपके कार्यों के लिए, उसके लिए धन्यवाद। बड़ी जागृति बीच में हमारे बीच में हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। आज बुधवार है तो इंडियन समय 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा, तो प्रार्थना के संग आप उसके भागी बने। आप सबके जीवन में वो निश्चय तौर से आशीष का कारण बनेगा।
आमेन। आज के दिन जो परमेश्वर ने हमें वचन जो दिया है, इब्रानी किताब 13 अध्याय उसका 15 वचन, उसमें लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। आमेन। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पे इब्रानियों में किताब में कहते हैं कि हम अपना स्तुति का जो बलिदान है वो कब कब हमें करना है, हालेलुया, हमें निरंतर करते रहना है, सर्वदा हमें करते रहना है, हालेलुया। ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को स्तुति का बलि हम चढ़ाते रहे। पुराने नियम में बलिदान जो चढ़ाया जाता था वो पक्षियों को, जानवरों को किया जाता था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमारे मुख से निकलने वाली स्तुति और आराधना है जो स्तुति का बलिदान होता है, हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद दे, आमेन। अपने जीवन में हम देखें, अपने हर एक परिस्थिति में हम जब होते हैं, हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, हालेलुया। हर बार जब आप स्तुति करते हैं, पुराने नियम में जो बलिदान चढ़ाया गया था उससे बढ़कर परमेश्वर आज हमारे स्तुति को वो स्वीकारते हैं, हालेलुया। अब्राहम को देखे, अब्राहम जब बलिदान चढ़ाने गए थे मुरिया के पर्वत पर, वहां पर एक बलिदान क्या था, वो अपने इकलौते पुत्र को वहां पे बलिदान चढ़ाने जा रहे थे, वहां पे एक त्याग हो रहा था, वहां पे एक बलिदान हो रहा था। वैसे ही हम जब परमेश्वर को बलिदान जब देने जाते हैं, हम जब स्तुति करते हैं, तो उसमें हम देखें कि क्या त्याग हम अपने जीवन में कर रहे हैं परमेश्वर को स्तुति करने के लिए। काफी लोग होते जो बिना सोचे ही धन्यवाद करने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो हमेशा जानकर धन्यवाद देते हैं, जैसे कि हम धन्यवाद कर रहे हैं बोल के, छोटे बच्चे भी धन्यवाद धन्यवाद कहते हैं, उनको पता ही नहीं कि यार धन्यवाद किसको धन्यवाद। ऐसे नहीं मेरे प्रिय लोग, हमें जानना चाहिए, हम पूरे बोध के साथ परमेश्वर को धन्यवाद कहें, क्यों धन्यवाद कर रहे, ये एक एक कारणों को हम घोषणा करते हुए धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। परमेश्वर आपने हमें संभाला उसके लिए धन्यवाद, प्रभु आपने मुझे सुरक्षा दी उसके लिए धन्यवाद। दूसरी चीज, हम जब धन्यवाद देते हैं वो अपने मुख से हम धन्यवाद देते हैं, तो हमारा मुख जो है वो पवित्र होना चाहिए, हालेलुया। पवित्रता के साथ हम अपने मुख को जब रखते हैं तो उससे जो बलिदान है वो सही रहता है। जैसे पुराने नियम में पुरोहित जो है वो देखते हैं कि ये बलिदान जो है वो पवित्र है कि नहीं, क्या उसमें कोई कमियां घटी है, तो वो बलिदान में नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए हम जो वस्तु को हम बलिदान चढ़ा रहे वो पवित्र होना चाहिए। तो आज के दिन हमारा मुंह है जो, हमारा जो जीभ है वो है पवित्र, जो परमेश्वर को स्तुति बलिदान चढ़ाने के लिए है। तो इसलिए हम देखें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुख को, तो फिर कोई फायदा नहीं वो बलिदान का। अगर पूरे दिन भर हम लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को हम बुरा भला बोल रहे हैं, और फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद बोलते हैं, तो वो जो बलिदान है वो परमेश्वर नहीं स्वीकारेंगे, हालेलुया। इसलिए हम ये बोध के साथ चले कि हमारा जो जीभ है, हमारा जो मुंह है, उसमें से परमेश्वर को स्तुति करने के लिए इस्तेमाल करने वाला हमारा मुंह है। इसलिए पवित्रता के साथ मुझे अपने मुख को रखना है। हम किसी की ठट्टा ना उड़ाने वाले हो, किसी का मजाक ना करें, किसी की निंदा ना करें, हम किसी का भी बुराई ना करने वाले हो, क्योंकि ये जो मुंह है उसे परमेश्वर को आदर और स्तुति और प्रसन्न देने वाला होना चाहिए, हालेलुया। इसलिए एक दिन में हम जो कार्य करते हैं, हमारे मुंह से निकलने वाली हर एक वचनों को हम नियंत्रण में रखने वाले हो, हालेलुया। एक दूसरे से क्या बात करते वो भी हम देख के करें, क्योंकि हमारा जो मुंह है वो बलिदान देने का, हालेलुया, एक वस्तु है, आमेन। इसलिए अपने जीव को हम परमेश्वर के लिए हम अलग रखें, हम घोषणा करें, हम विश्वास करें, ये जीव से मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, इसलिए ये अब मेरे जीव से मैं सिर्फ पवित्र चीजें ही बोलूंगा, आमेन। क्योंकि ये पवित्रता से जब हम अपने जीव को समर्पित करते हुए स्तुति बलिदान चढ़ाते हैं, उसमें परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे आज से। इसलिए ध्यान दे अपने जीव से हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि ये बलिदान चढ़ाने वाली वस्तु है। आमेन। मेरे साथ घोषणा करें, यीशु मसीह के नाम से हम बड़े चिन्ह चमत्कार का वीर्य प्रवृत्ति करेंगे, विशालता और उन्नति प्राप्त करेंगे, सब देखकर आश्चर्यचकित और भयभीत होंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।